इनके रखिए, ये हमारी माता श्री है, अभी यदि खाएंगे आपको लाइव इनके इनके या देखो या मीम दिखी उठ जाएंगे मजा सब देखो नहीं तो देखो नहीं सर बाबा काम कर नहीं आई ना नो कुछ नहीं मियो बे तो ठीक है माता श्री चलते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं महलचोरी साइड अपने चाचा भाई लोगों के साथ। चले, अरे वाह, आज तो बिल्कुल एनक शनक तैयार। चलो चलो चलो, हाँ जाओ ठीक हो स्कूल। जय हो माँ भगवती। तो चलिए दोस्तों, सफ़र शुरू हो चुका है और इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन किस तरीके से व्यतीत होता है। तो ये जो है तेल भरा जा रहा है, कल कब बेदे लेके आए थे हमें, ये देखो तो वाह। एक दो तीन मिल गया, क्यों पीड़ो बड़ो ठंडी गाड़ी है, ठंडी गाड़ी। जय हो, ये महलचोरी पहुंचे हैं हम और देखो तो चलो जल्दी चलो भाई काम निपटाओ जल्दी जल्दी। ये देखो ये कंप्यूटर कंप्यूटर कोचिंग वाले कंप्यूटर कोचिंग वाला देखना एक बार इधर को। ये बगल में आपके कंबल और सामान। अरे मैं रमोला भाई हूँ, मेरा चप्पल सिलू पूरा। तुम क्या धोगा? हाँ ये ठीक है क्योंकि उखड़ रहे थे ना साइड से। ठीक है भाई, मजबूत काम हो गया। कभी खाए ना? चलो चलो चादर खुला। वाह ले भाई मनु सिंह। और ये आ गई है हमारी सवारी। तुम चला चला आए तुम, आप चलो हमारे। बाय बाय, चलो चलो जा, हम तो बीच बाज। ए चाव बचल, ए चाव बचल, बचल तुम भी बच जाओ। हाँ जी ऐसी बात, किसका 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 भाई किसका किसका। तेवाखर का एक्सप्रेस है, सिर्फ तेवाखर के वाले ही बैठे हैं इसमें। तय कौन गई आगे जो तय शॉपिंग नहीं है आगे जो जेल लेने वालों। ए भाई जल्दी आ, दोस्तों पहुंच चुके हैं मालकोट, अब यहाँ से चलते हैं घर। सामान तो दुकान सामान से तीर या बैग भी खोलो नए वाला लाए दिखाइए जरा। ये नई किस्म की बंदूक आई है और साथ में इसके अंदर जो है जो वो है पटाखे नहीं डलते, इसमें डलती है तिल्ली। चल डालो भाई देखो। हाँ ये देखो नई नई आविष्कार हो रहे हैं, देखो तिल्ली तिल्ली से आवाज करेगा तिल्ली का ये अंदर। चल भाई एक दो, ये सही चीज है, मतलब इसके अंदर वो नहीं लेंगे, पहले बुलेट आती थी ना अलग सी, लेकिन अभी तिल्ली वाला है। अरे खत्म मत कर देना भाई, खरीदना पड़ेगा फिर ताऊगी। ताऊ चीज तो भली है, कद का आशु ओ तो कद का आशु 125। ये देखो तिल्ली लग लगानी इसके अंदर, मैं डाल अब डाल। ये सही चीज है वैसे यार, है ना, बड़े चीज ली है तो खर्चा नहीं। हाँ खर्चा नहीं है, 130 रुपए की दो तीन ये ले लो, मार्चिस ले लो ना सिंपल। 120 रुपए दे देगा, बस ये देखो 21 25 20 21 20 की। तो दोस्तों अब जो है घर की ओर चल दिए हैं हम, साथ में जो है काफी जनता है, पीछे दीपू और भाई आ रहे हैं छोटे, आगे जो है ताई चाचा चाची चाचा, फिर से जो है हमारे दादा श्री
सभी जो है चले हुए हैं। और ये जो पानी का स्तर जो कम हो गया है हल्का सा, दो दिन से बारिश नहीं है, पानी का स्तर जो है हो गया है कम, ऊपर जो है काले चल रहा है। तो हमको अल्टरनेट रास्ता जो सिरा ग्राम सिरा से होते हुए जाना पड़ेगा हमारे बाईपास से। देखो ये तो रास्ता यहाँ से ऊपर है, अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। देखिए सारे जा रहे हैं। जय हो माँ भगवती। पहुँच चुके हैं दोस्तों गांव की दहलीज पे। बरखा भी शुरू हुई, देखे तुम ऊपर, देखो मौसम कितना भयंकर है, बारिश भी प्रारंभ हो गई है हल्की हल्की। और ये देखिए हमारे नए पंचायत घर का जो कार्य है वो जोरों शोरों से चल रहा है। क्यों? हेलो चाची साहब, नमस्कार, ताओ प्रणाम, ठीक ठाक चे? ये देखिए आप, आए हाय हाय हाय, मजा आ गया, मजा बेहतरीन। क्या कुछ गर्मी में? तो कपड़े चेंज करने के बाद जो है चाय पीने का समय था, और बगल से आवाज आ गई है कि चाय तैयार है, चाय पीने वहीं जाते हैं। बनी जा, ये देखो तुम, वेरी गुड, आह ये शाबाश पहले। हाँ ऐसे शुरू करते हैं, पहले बुजुर्ग व्यक्तियों को, उसके बाद हमारी बारी है। आओ पापा दे, तुम भी ले आओ। आपको कहा है, तुम कौन है? इतर ना अनपिटा चाह तुम को। अरे वाह शाबाश शाबाश, पी पी मार छुड़ा। ए बप्पा ये। और दोस्तों अभी आपको जो है कुदरत का अजूबा दिखाता हूँ मैं। ये खंसर घाटी की दो तरफ है, एक तरफ जो है अच्छी से धूप खिली हुई है, एक तरफ बहुत ही भयंकर बारिश चल रही है। ये देखो यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो रही है, और यहाँ देखो कितनी प्यारी धूप खिली है। मेरे को अब यहीं जाना है अपने। ये देखो यहाँ पे जो है हमारा छप्पर है, ये तो इस छप्पर के पास मुझे अभी जाना है दाल लेने के लिए। जो तोर है, तोरी की जो इस तरीके से, ये तो भट सुखा रखे हैं पूरे छत में, जो कल लेके आया था मैं, आज माता आज लेके आई थोड़ी सी, उसके बाद जो है हम तो बाजार गए हुए थे, लेकिन अभी भी माता खेतों में गई हुई है। तो बस वहाँ से जो है फिर से दाल लेके आना है मेरे को। तो उम्मीद ये है कि जो वो पहाड़ पार की बारिश है वहीं रुके रहे, और जो ये धूप वाला मौसम है ये बरकरार रहे, ताकि जब तक हम तोरी लेके आ जाऊँगा। नहीं तो हल्की सी जुखाम की शिकायत है, अगर भीग गया तो जुखाम की शिकायत और बढ़ जाएगी। चलो आ रहे हो? चलो फिर मैं हो आता हूँ पार है। चलिए पहले मैं पार हो के आता हूँ, सामान लेके आता है, फिर देखते हैं फिर कैसा रहता है। शाम का वक्त तो हो ही गया है, चलो चलते हैं पहले खेत में। तो ये हम पहुँच गए हैं अपने छप्पर, तो नीचे देखो वहाँ जो है फसल कट रही है अभी। अरे अरे ये तो डर क्यों रही है ये मशीन बापा। ये देखो मौसम बड़ा ही बेईमान होता है, इसलिए जैसे ही जो है काटने का कार्य पूरा होगा फिर हम उसको लेके घर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए ये हो गया है हमारा भारा तैयार, अब इसको लेके जाना है घर तक। ले ये पकड़ो जरा, ये पकड़ो जरा, मैं मोबाइल करके उठूँ। इनके रखिए, ये हमारी माता श्री है, अब ये दिखाएंगे आपको लाइव। इनके इनके या देखो या मीम दिखी उड़ जाएंगे। अच्छा सब देखो नहीं तो देखो नहीं सर बाबा दिखो काम कर जाने नो काम कर ले कुछ नहीं मियो बे ले चला टन ओ आज राम राम ये दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, बारिश बहुत ही भयंकर वाली शुरू हो गई है देखो। और ये रहा हमारा भाड़ा, जय हो। ये देखो आप बुरे हाल है, क्या बोले आप। तो दोस्तों वापसी हो चुकी है खेतों से, और साथ में बारिश भी जो है प्रारंभ हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आप देख ही रहे हैं थोड़ा सा जो है शाम
हो चली है, क्योंकि अब जो है कुछ तो बादल की वजह से भी जो है अंधेरा सा दिख रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और चाय जो बना के चाय का सेवन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रात्रि हो चली है और अब समय है व्लॉग समाप्त करने का। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।